Hello students, good morning. Today in 11th class mathematics, we are starting exercise 5.3. 5.3 jo hai, this is based on quadratic equations plus the complex numbers. Matlab abhi hum logo ko aise quadratic equations diye rahenge, jisme D, discriminant, jo hai, negative aayega. Abhi tak in 10th class, up to 10th class, what we used to do, if d was smaller than 0, d ki value agar smaller than 0 hai, to abhi hum log ye bolte the, no real roots. Bhai, ab real roots nahi hai, to 11th class mein apan logo ne padh liye, imaginary roots ya complex roots abhi hum log ne padh liye. To abhi hum log ye bolenge, sab kuch bilkul same hai, ax square plus bx plus c is equal to 0, isme discriminant nikalenge, b स्क्वायर माइनस 4ac से और x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a इससे अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे. ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जो अभी हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ते थे. सो वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद व्हाट एक्सरसाइज 5.3. 5.3 में सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम 5.2 we are not doing because that has been deleted from the syllabus, and if required we'll be taking a separate session for 5.2 or problems which are related to 5.2. polar form ke liye abhi hum log ek alag se uske liye ek lecture le lenge. ab isme hum log ye bolte hain, suppose exercise 5.3 mein question number 1 x square plus 3 is equal to 0, इससे x square की वैल्यू माइनस 3 मिलेगा. अभी तक हम लोग छोटी क्लासेस में बोलते थे भाई स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस कैन नॉट बी सॉल्व. लेकिन अब हम लोग इसमें कह सकते हैं, बच्चों क्या कह सकते हैं कि भाई x विल बी इक्वल टू, x अगर अभी हम लोग निकालना है तो बच्चों कैसे मिलेगा इसको, अभी हम लोग 3 i square लिख दे रहे हैं, इसको अभी हम लोग ऐसा लिख दे रहे हैं, x square will be 3 into minus 1 और 3 इंटू माइनस 1 को आई स्क्वायर लिख दिया. आई स्क्वायर इज व्हाट, माइनस 1. सो दिस एंटायर चैप्टर इज बेस्ड ऑन सिंगल फैक्ट दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. अब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आई स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू अगर अभी हम लोग को लेनी है, दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आई. सो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इसमें d की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, तो d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा. अब इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 8 मतलब माइनस 7. तो डिस्क्रिमिनेंट अगर माइनस 7 है तो अभी हम लोग अभी तक छोड़ देते थे, वी यूज्ड टू लीव दी प्रॉब्लम्स, बट नाउ वी से दैट x विल बी इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a. तो माइनस बी, बी कितना बच्चों माइनस 1 प्लस माइनस रूट माइनस 7 अपॉन 2 इंटू ए, ए की वैल्यू बच्चों 2 है. सो दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 7 को हम लोग कैसा लिखेंगे, 7 इंटू माइनस 1, और ये तो रूट 7 तो ऐसे ही है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 को आई लिख देंगे. सो एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7 आई डिवाइडेड बाय 2. तो ये माइनस 1 ऐसा कुछ आ जाएगा. सो दीज विल बी द टू रूट्स. तो अलग कुछ नहीं है, सिर्फ अलग यह है कि
कि d अगर नेगेटिव आ रहा है तो वी यूज टू लीव द प्रॉब्लम सेइंग दैट देर आर नो रियल रूट्स, बट नाउ सिंस वी हैव डिफाइंड स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, तो अब हम लोग ऐसे भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन, इसको कंपेयर करेंगे हमेशा ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू थ्री और सी की वैल्यू बच्चों नाइन। डिस्क्रिमिनेंट कैसे मिलेगा? डी विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस विल बी थ्री स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू नाइन, नाइन माइनस थर्टी सिक्स, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस विल बी व्हाट माइनस ट्वेंटी सेवन। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बच्चों कितनी? माइनस ट्वेंटी सेवन आ गई, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी, ये फॉर्मूला भी लिख ले रहा है क्योंकि ये बार बार यूज होगा, डी का भी फॉर्मूला लिख ले रहा है, तो ये तीनों फॉर्मूले यूज होने वाले, इनको लिख ले रहा है, वी विल नॉट बी राइटिंग दिस अगेन एंड अगेन। वैसे होपफुली हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें याद होना चाहिए। माइनस बी, बी की वैल्यू रूट डी, टू इंटू ए, ए की वैल्यू वन, सो माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ट्वेंटी सेवन। इसको अभी हम लोग कैसा लिखेंगे? नाइन इंटू थ्री इंटू माइनस वन। ऐसा क्यों लिखा? इसमें नाइन को तो बाहर ले सकते हैं, थ्री इसको बाहर ले लिया, ये रूट थ्री आ गया और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को आई लिख लिया, बस इतना सा है। तो आंसर टू दिस विल बी व्हाट? माइनस थ्री प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू एंड माइनस थ्री माइनस रूट थ्री आई, सॉरी थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू, माइनस थ्री प्लस थ्री रूट थ्री आई अपॉन टू एंड माइनस थ्री रूट थ्री आई अपॉन टू। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसको देखो, इसमें डिस्क्रिमिनेंट पहले तो ए लिख लो, ए की वैल्यू माइनस वन, बी इज वन, सी की वैल्यू माइनस टू, ऐसा कुछ आएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या मिलेगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू माइनस वन इंटू सी की वैल्यू माइनस टू, ऐसा कुछ आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? वन माइनस एट, तो इसमें माइनस सेवन आ जाएगा। वैल्यूज अगर आप रखें इस वाले में, माइनस बी माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस सेवन अपॉन टू इंटू ए, ए इज व्हाट? माइनस वन, ऐसा कुछ मिलेगा। अब इसको कैसा लिख सकते हैं? माइनस वन प्लस माइनस रूट सेवन आई अपॉन माइनस टू, ऐसा कुछ आएगा। दिस कैन बी रिटन एज, वी आर राइटिंग दिस समवेयर हियर, इधर कहीं पर लिख दे रहे हैं, माइनस वन प्लस रूट सेवन आई डिवाइडेड बाय माइनस टू एंड माइनस वन माइनस रूट सेवन आई डिवाइडेड बाय माइनस टू। माइनस साइन कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? वन माइनस रूट सेवन आई
अपॉन टू, माइनस साइन अगर कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इधर पर वन प्लस रूट सेवन आई अपॉन टू। सो दीज विल बी द टू आंसर्स, तो ये दो आंसर्स इसके याद आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर फाइव देख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फाइव में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो ए है, ए की वैल्यू वन है, एक्स के साथ जो नंबर है वो बी है तो बी की वैल्यू थ्री है, सी यानी सी की वैल्यू फाइव, ऐसा कुछ आ जाएगा। फिर डिस्क्रिमिनेंट जी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये सॉल्व करो, मतलब थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू फाइव, ये कितना आ जाएगा नाइन माइनस ट्वेंटी, सॉल्व करने पर बच्चों कितना आ जाएगा ये माइनस इलेवन। तो इन सारे प्रॉब्लम्स में अगर आपने देखा हो डिस्क्रिमिनेंट जो है आपको कैसा नेगेटिव आ रहा है, अब एक्स की वैल्यू माइनस बी, माइनस बी प्लस माइनस, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, अभी हम लोग क्यों लिख रहे हैं इसको, एक्स विल बी माइनस थ्री प्लस माइनस रूट डी। बच्चों प्रॉब्लम्स को साथ के साथ आप करते जाना, अभी नहीं कर पा रहे बाद में करना, बट यू हैव टू डू दी प्रॉब्लम्स, इफ यू आर नॉट डूइंग दीज प्रॉब्लम्स एंड इफ यू आर जस्ट सीइंग द वीडियो then you will not be able to do anything in the exams, है ना? तो ये याद रखना आपको खुद करना है, चाहे मैथ्स हो फिजिक्स हो, है ना? दोनों में ही you will have to write down 2 into a, 2 into a ये आ जाएगा माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस इलेवन अपॉन टू। अब इसको अंडर रूट ऑफ माइनस इलेवन को कैसा लिखोगे, इलेवन इंटू माइनस वन, ये सभी जगह ऐसे किया और इसको इलेवन आई लिख दे रहा है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन आई होता है, माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ इलेवन आई अपॉन टू। सो द टू आंसर्स विल बी ये दो आंसर्स आ गए, ये क्वेश्चन नंबर फाइव है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, क्वेश्चन नंबर सिक्स में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, इसको कंपेयर करो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो वन एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ यहां कुछ नहीं लिखा तो वन एक्स, अब इसमें ए की वैल्यू बच्चों वन है, बी माइनस वन है, सी की वैल्यू टू है, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी की वैल्यू टू है, तो ये आ जाएगा वन माइनस एट, यानी इसमें फिर से माइनस सेवन आया, ठीक। अब एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूले से माइनस बी माइनस ऑफ माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी टू इंटू ए, तो अब इसको कैसा लिख सकते हैं, दिस विल बी वन प्लस माइनस रूट सेवन आई अपॉन टू। तो इसके दो आंसर्स क्या आ जाएंगे बच्चों, दो आंसर्स x will be minus 1 plus root 7 i upon 2 and minus 1 minus root 7 i upon 2. So these will be the two answers. Now question number 7 देखो, exercise easy है,
बस इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट नया यूज हो रहा है बार बार, दैट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन इज आई। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन बच्चों आई है। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ दिया है। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू रूट टू है, बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो ए है, एक्स के साथ जो नंबर है वो बी है, और ये कौन से टर्म सी, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यूज पर रखनी है बार बार, बिल्कुल वही चीज कर रहे हैं। सो दिस विल बी व्हाट, माइनस सेवन, तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सेवन। अब ये इसमें वैल्यूज रख दो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन टू ए, तो माइनस बी, बी कितना है बच्चों, माइनस वन प्लस माइनस रूट डी टू इंटू ए, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। आंसर क्या आएगा बच्चों, माइनस वन प्लस माइनस रूट सेवन आई अपॉन टू रूट टू, मतलब दो वैल्यूज क्या आ जाएंगी इसकी, इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, माइनस वन प्लस रूट सेवन आई अपॉन टू रूट टू एंड माइनस वन माइनस रूट सेवन आई अपॉन टू रूट टू। सो दीज आर द टू आंसर्स। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर एट में रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस थ्री रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए रूट थ्री, बी एक्स के साथ नंबर, सी थ्री रूट थ्री। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस रूट टू का होल स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी, ऐसा कुछ आएगा। तो ये आ जाएगा टू माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व, फोर थ्री जा ट्वेल्व हो गया, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री आ जाएगा है? तो टू माइनस थर्टी सिक्स यानी माइनस थर्टी फोर। तो सभी प्रॉब्लम्स में बच्चों डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कैसा नेगेटिव मिल रहा है। अब इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। अब इसमें वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आएगा, बी प्लस माइनस रूट डी, रूट डी की वैल्यू ये याद रखना, रूट के अंदर जो माइनस साइन है वो कभी सॉल्व नहीं होता था टेंथ क्लास तक, है ना। अब हम लोग क्या बोलते हैं, ये माइनस वन को स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को अभी हम लोग आई लिख देते हैं बस, बाकी अगर सॉल्व हो रहा तो सॉल्व कर लो, मतलब ये आ जाएगा रूट टू प्लस माइनस रूट थर्टी फोर, ठीक है। अब क्या बचा, रूट थर्टी फोर तो सॉल्व नहीं हो सकता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को आई लिख दिया, बस यही इसका आंसर आ जाएगा। मतलब दो रूट्स क्या आ जाएंगे बच्चों, अगर और भी सॉल्व करना तो रूट टू कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हो, अगर आपके आंसर्स मैच नहीं कर रहे यू कैन सिंप्लीफाई दिस अ बिट फर्दर, है ना। तो अभी आप वो पार्ट खुद देख लेना,
ऐसा कुछ आ गया. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों. 9th में क्वेश्चन नंबर 9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाय रूट टू. अब इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 बाय रूट टू है. आंसर्स बच्चों चेक करते जाना है ना, अगर कहीं सिंप्लीफिकेशन में कहीं और कुछ और कैंसिल हो रहा तो कैंसिल जरूर कर लेना, बिकॉज आई एम जस्ट हैविंग गॉट अनदर मोबाइल इन विच आई एम हैविंग द स्क्रीनशॉट ऑफ द एक्सरसाइज, सो आई एम नॉट सीइंग द आंसर्स. डिस्क्रिमिनेंट बच्चों क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. सी की वैल्यू बच्चों कितनी 1 बाय रूट टू आ जाएगी. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो थोड़ा सा, कैसे, 1 माइनस इफ सी इज टू बी सॉल्व. अगर आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों ध्यान से देखना, 1 माइनस फोर इंटू रूट टू अपॉन टू ऐसा लिख लोगे, है ना. आपने क्या किया, ऊपर और नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई कर दिया सॉल्व करने के लिए, है ना. तो इसमें ये नीचे 2 आ जाएगा जो कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टू रूट टू. तो अब इसको देखने पर अभी हम लोगों को ऐसा लग रहा है, देखने पर ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है बच्चों ध्यान से देखना, हम लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे ये इसमें से ये कुछ माइनस किया हुआ है, मतलब ये पॉजिटिव है, लेकिन आप सोचकर देखो ये 2 है, ये रूट टू है, 1.4 मतलब ये नेगेटिव है, स्टिल दिस इज नेगेटिव. तो अब हम लोग एक्चुअल में इसको लिखेंगे कैसे, d विल बी माइनस ऑफ 2 रूट टू माइनस 1, दिस इज हाउ विल बी राइटिंग. तो अब इसको देखना कैसा लिखेंगे, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a. फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही, बस ये भर याद रखना बच्चों कि आपको इसमें ऐसा लग सकता है, देखने में आई तो आएगा ही नहीं, कोई 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 स्टूडेंट्स ऐसे ही डायरेक्टली डी की वैल्यू रख देंगे 1 माइनस 2 रूट 2, लेकिन ये डी नेगेटिव है, ये समझने की जरूरत है, ये 1 छोटा है और जो इसमें से माइनस कर रहे हैं वो बड़ा नंबर है ना, तो आपको इसको पहले माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस टू इंटू ए, आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 2 रूट 2 माइनस 1 आई डिवाइडेड बाय 2. सो दिस विल बी द आंसर. और सर्ड से अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना तो इसको भी अभी आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो द टू आंसर्स विल बी माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर रूट आई, और एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन. सो दिस विल बी द टू आंसर्स. अब क्वेश्चन नंबर 10th देखो. x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय रूट 2, a की वैल्यू 1, b 1 और c की वैल्यू 1 बाय रूट 2. करते क्या है, 1 स्क्वायर माइनस 4 ए सी. अरे कुछ गलत कॉपी कर लिया बच्चों, है ना, ये x बाय रूट टू इधर है, आई एम सॉरी,
हमने तो ये पिछली प्रॉब्लम कॉपी कर लिया शायद। हाँ यस, एक्स बाय रूट टू प्लस वन। अभी जब हमने देखा ना यहाँ पर सॉल्व, हमें ये तो वैसे ही दिख रहा है, बी की वैल्यू बच्चों वन बाय रूट टू, अब हो जाता है कभी कभी, सी की वैल्यू वन। अब ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, तो ये आ जाएगा वन बाय टू माइनस फोर, यानी ये आ जाएगा वन माइनस एट अपॉन टू यानी माइनस सेवन अपॉन टू, बस हो गया। इसमें तो माइनस मिल ही रहा है, पिछले प्रॉब्लम में बस थोड़ा सा डाउटफुल था जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन टू ए, माइनस बी, बी कितना है माइनस वन बाय रूट टू, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन टू इंटू ए, तो आ जाएगा माइनस वन बाय रूट टू प्लस माइनस रूट सेवन आई अपॉन रूट टू अपॉन टू। ये रूट सेवन अपॉन रूट टू लिख दिया इसको, है ना, राइटिंग दिस एज रूट सेवन अपॉन रूट टू, क्यों, क्योंकि रूट टू एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट सेवन आई अपॉन रूट टू एलसीएम लेकर ये नीचे आ जाएगा टू रूट टू। सो यू विल बी हैविंग वंस अगेन द टू आंसर्स, माइनस वन प्लस रूट सेवन आई अपॉन टू रूट टू एंड माइनस वन माइनस रूट सेवन आई अपॉन टू रूट टू, सो दीज विल बी द टू आंसर्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नहीं है, अच्छा, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस फिनिशेस एक्सरसाइज 5.3 एंड ऑन द नेक्स्ट टर्म वी विल बी स्टार्टिंग विद मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड वी विल बी डूइंग ओनली दोज पोर्शंस व्हिच आर स्टिल इन द सिलेबस, है ना। तो पोलर फॉर्म हट गया है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो भी हट गया है ना, एंड इफ रिक्वायर्ड, अगर आपकी डिमांड रहेगी देन वी विल बी टेकिंग अ सेपरेट क्लास फॉर दैट पोर्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।